हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज का ये वीडियो मैं UMT के ISP हार्डवेयर टूल के ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 80-90% UMT EMMC ISP टूल को यूज़ करने वाले यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहे। तो आज का ये वीडियो मैंने उन लोगों के ही प्रॉब्लम के लिए बनाया है, क्योंकि मेरी वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट इन्हीं लोगों के आ रहे थे, जो बता रहे थे कि हमारा UMT ISP टूल हमारे किसी भी फ़ोन की EMMC को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ 3 से 4 चीज़ें बताऊंगा, जिनका हमें ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी EMMC इस UMT के ISP टूल के हार्डवेयर में कनेक्ट नहीं होती। ये देखिए, ये मेरा UMT ISP टूल का मेन इंटरफेस है, और ये मेरा जो ISP पिन आउट का जो कनेक्टर है, एडाप्टर बोलते हैं जिसको, EMMC एडाप्टर है। इसके अंदर सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी बात है, हमें यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं, जिनकी वैल्यू 150 ओम्स की है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 1 या 2 रुपए के मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये 2 रेजिस्टेंस हमें लगाने हैं। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम किसी भी EMMC के अंदर अगर वो फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके अंदर डाटा केबल का यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने डाटा केबल इसके अंदर ये लगा रखी है। डाटा केबल लगाने से VCC के वोल्टेज प्रॉपर EMMC को मिलते हैं, और उसके बाद अगर हम VCC का जंपर नहीं भी लगाते हैं तो फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने VCC का जंपर जो है, देखिए VCC का जंपर ये मेरा लगा नहीं है। ये देखिए, ये VCC का जंपर मैंने लगाया नहीं है, और सभी जंपर 4 सेंटीमीटर के हैं। इससे बड़े जंपर अगर आप लगाते हैं तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने भी जो कुछ जिनके जंपर बड़े थे तो वो फ़ोन मेरे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम कर रहे थे। तो मैंने इसमें 4 सेंटीमीटर के जंपर लगाए, और लगभग 90% मेरे फ़ोन 90-100% मेरा फ़ोन ये कनेक्ट कर रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर हमें जंपर लगाने, ये रेजिस्टेंस लगाने 2 150 ओम्स के, जो कि मार्केट में 1-2 रुपए के मिल जाते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम अगर USB केबल लगा रहे हैं तो हमें VCC के जंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी जो ये जंपर है, ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप सारे जंपर इस फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमें डाटा केबल लगानी है, उसके बाद हमें ISP टूल की जो मेन USB केबल है उसको कनेक्ट करना है। और कभी ऐसा होता है कि अगर आप कनेक्ट करते हैं और उसके बाद भी आपकी EMMC कनेक्ट नहीं होती है, तो इस केबल को एक बार निकाल करके आप वापस लगाइए, 2-3 बार अगर नहीं कनेक्ट होता है तो 2-3 बार ऐसा करिए, बिल्कुल आपका कनेक्ट होगा। अब मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए इसको डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ वापस से USB केबल को। देखिए, अभी मैंने USB केबल निकाल के लगाई है। देखिए, ये जो ऑप्शन आया है फॉर्मेट डिस्क, अगर ये ऑप्शन आपके इसमें EMMC कनेक्ट करने के बाद आता है, मतलब आपकी EMMC परफेक्टली कनेक्टेड है और हमें इसे फॉर्मेट नहीं करना है, इसे हमें कैंसिल करना है। उसके बाद में हमें जो है हमारा डिवाइस मैनेजर पर आना है। देखिए, ये यहाँ पर ये पोर्टेबल डिवाइस पोर्ट आया है, उसके बाद में एक हमारा जेनेरिक स्टोरेज डिवाइस आया है। बस यहाँ पर आकर के आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पर जाना है, पॉपुलेट पे क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए पूरी मेरी EMMC की इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर यहाँ पर सब जगह 00 या नील आता है या ब्लैंक आता है तो आपकी EMMC परफेक्टली कनेक्ट नहीं है और आपकी स्कैन नहीं होगी। देखिए, अभी मेरी यहाँ पर EMMC परफेक्टली कनेक्ट है। अब जो है मैंने इसको देखिए बंद किया और माय कंप्यूटर को बंद किया। और एक बात और कि ये UMT का जो EMMC हार्डवेयर टूल है, इससे हम मिरेकल के भी जो अभी नया टूल आया है EMMC प्लस जो फ्री है यूज़र के लिए, थंडर यूज़र के लिए, उसमें भी कनेक्ट होता है। और ये सबसे पहले मैं UMT में, देखिए UMT के इंटरफेस में आया, यहाँ पर स्कैन इसने कर लिया है पहले से, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाने के लिए करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्कैन किया, ठीक है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर मुझे अपना मॉडल सिलेक्ट करना है। देखिए, ये मेरा, ये ओप्पो का Realme 2 है, Realme 2। ये देखिए, ये CPH 1853, इस पर मैंने क्लिक किया और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए, कनेक्ट होते ही ये देखिए मेरी पूरी EMMC की इन्फॉर्मेशन आ गई है, देख ली है ना, ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही मैं इस पर देखिए डिसकनेक्ट करता हूँ अभी। अब आपको मिरेकल EMMC टूल में इसको कनेक्ट करके बताता हूँ। देखिए, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, अब मैंने
ये देखिए मिरेकल ईएमएमसी प्लस टूल वर्जन 3.6 को खोला है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्कैन पोर्ट पे क्लिक किया है। स्कैन पोर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले रीड इन्फो पे मैंने क्लिक किया। देखिए ये कनेक्ट हो चुका है और सभी जो ईएमएमसी के एड्रेस यहाँ पर दिखने लग गया। ये देखिए तो ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने भी यूज़र हैं जो यूएमटी ईएमएमसी आईएसपी टूल के यूज़र जिनको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है वीडियो। ये देखिए एक बार फिर से मैं चारों पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों आईएसपी हार्डवेयर टूल के अंदर फ़ोन कनेक्ट नहीं होती, ईएमएमसी कनेक्ट नहीं होती है। सबसे पहले आपको 150 ओम्स के दो रेजिस्टेंस लगाने हैं डाटा और सीएमडी पर, जिसकी एक फ़ोटो मैं इसमें वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से देख सकें वीडियो को पॉज करके। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप यूएसबी केबल लगाते हैं तो वीसीसी के जम्पर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जम्पर हमें 4 सेंटीमीटर से छोटे लगाने हैं, इससे बड़े हमें नहीं लगाने। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका जंपर सही लगे हैं, आपने रेजिस्टेंस लगाया है, अपने यूएसबी केबल लगाया, ये तीनों काम करने के बाद भी अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो इस वाली यूएसबी केबल को आप एक बार निकाल करके फिर से लगाएं। अगर नहीं शो होती है ईएमएमसी, एक बार फिर से लगाएं, 2 से 3 बार ऐसा करिए, 101% आपका जो ईएमएमसी जो है वो आपके आईएसपी टूल के अंदर 101% कनेक्ट होगी। यहाँ पर मैंने आपको देखिए इस वीडियो में फ़ोन को कनेक्ट करके दोनों टूल में, मिरेकल ईएमएमसी टूल में और अल्टीमेट ईएमएमसी टूल में, दोनों में कनेक्ट करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत मदद हुई होगी, और अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है ईएमएमसी टूल को, आईएसपी टूल को यूज़ करने में यूएमटी के, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।